3 अगस्त की सुबह बागली थाना क्षेत्र के भरजाई घाट के जंगल में एक 4 दिन की मासूम नवजात बच्ची जीवित अवस्था में लावारिस पड़ी हुई थी, जिसे पुलिस द्वारा बागली स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। पुलिस द्वारा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई थी। पुलिस ने जांच कर मासूम के निर्दयी माता पिता को ढूंढ निकाला और अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मासूम बच्ची की मां की पहले की 3 बेटियां हैं और यह चौथी बेटी के रूप में जन्म लेने के कारण उसे जंगल में फेंक दिया था। सुनीता पति संतोष निवासी ग्राम खैड़ीपुरा ने 31 जुलाई को शासकीय अस्पताल बागली में बच्ची को जन्म दिया था और 1 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गांव जाते समय शाम को बरझाई घाट पर मां ने बच्चे को फेंक दिया था। जन्म से ही बच्चे का ऊपर वाला होंठ कटा हुआ होने के कारण अस्पताल के स्टाफ ने बच्चे को देखते ही पहचान लिया था। पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि बच्चे की मां की पहले ही बेटियां हैं और यह चौथी बच्ची थी। उन्हें बेटे की चाह थी, इसलिए इस बच्ची को घाट पर ही छोड़ गए। पुलिस द्वारा निर्दयी माता पिता के खिलाफ केस दर्ज कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि बच्चे का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। संवाददाता रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कल बरसे घाट पर भैरू मंदिर के अंदर भैरू घाट है, वहां पे कुछ बकरा चराने वाले लोग गए थे, बकरा बकरी चराने वाले, तो उनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। उस आवाज़ पर वहां गए तो वहां देखा एक छोटी नवजात बच्ची वहां थी, उसको लेकर उन्होंने 100 को खबर की थी। उस सूचना पर 100 उसे लेकर हॉस्पिटल आई थी और उस बच्ची को हमने एडमिट कराया था। सर अभी बच्ची कहाँ है और कैसी है? सर बच्ची का यहाँ प्रारंभिक इलाज के बाद देवास भेज दिया गया था, वहाँ डॉक्टर्स के कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में इलाज उसका चल रहा है। सर क्या उसके माँ बाप का पता चल गया है और कैसे हैं? सर उसके माँ बाप का पता चल गया, हमने ऑफिस से रिकॉर्ड से जानकारी ली थी उस तरीके जो बच्चे पैदा हुए थे उनके बारे में, तो वो उदयनगर क्षेत्र का खैड़ीपुरा है, वहाँ के रहने वाले संतोष पिता सरदार नायक की बच्ची है। अच्छा सर बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? सर हमने तत्काल 317 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया था और माँ बाप को ट्रेस करके उनकी गिरफ्तारी कर ली है। आगे जो तथ्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।